देख ही सकते हो भाई, ये देखो यार बहुत प्यारा जगह है भाई। ये जगह है ना, यहाँ पर पहले पार्क हुआ करता था पानी के ऊपर। तो गाइस ये देखो मेरा बाइक पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है, पूरा तो एक नंबर धांसू बन गया है। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिलहाल लगभग 2-3 के दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मैं आज माया जो एक्सप्रेस 200 है, मैंने कहा था उसका प्रॉब्लम था, जो फ्यूल पंप का इशू था, उसका प्रॉब्लम आज फाइनली सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि उसका पार्ट जो है ना वो आ गया। शुरू में मेरे को कॉल आया था, मैं अभी नींद से उठा हूँ, आपको हालत देख सकते हो आप लोग। तो लेके जल्दी जल्दी चलते हैं, और टाइम लगभग हो रहा है 10:30, और ठीक है ना, जल्दी चलते हैं, वहाँ पर बाइक में मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस जो मेरा बाइक है ना आज एक्सप्रेस जो है ये ठीक होने वाली है, और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मीन्स ये मेरा पहला स्टेप हो गया है मेरा रोड ट्रिप की ओर, क्योंकि ख़राब बाइक को लेके नहीं जा सकते, दैट मीन्स हम लोग जाएंगे ज़रूर, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ जो हीरो शोरूम है, और मैं बाइक को पीछे से लेके जाता हूँ अंदर। तो गौतम भाई और मैं एक साथ जा रहा हूँ, रैंडम सी प्लान बना लिया ने, हम लोगों ने बना लिया है। 2-3 दिन से इतना मौसम खराब होकर रखा था, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो फिलहाल हम लोग प्लान किया है, हम लोग जाएंगे डोडो में एक पार्क है, ग्रीन इको पार्क के कुछ पार्क, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मैं जाके उसके बाद दिखाता हूँ उसका पार्क का नाम। फाइनली गाइस हम निकल गए और जा रहे हैं ग्रीन इको पार्क के, और ग्रीन पार्क या इको पार्क ऐसा कुछ नाम है मुझे को पता नहीं, जाने का पता चलेगा। तो फिलहाल पहले सबसे पहले गाइस फ्यूलिंग कराना जरूरी है, तो पहले फ्यूलिंग करा लेते हैं बाइक को। गाइस पहले फ्यूलिंग करा लेते हैं यार, क्योंकि मेरा बाइक में फ्यूल नहीं है, देख सकते हो लो फ्यूल होकर रखा है, क्योंकि मैंने इसको चलाया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का रोड का बहुत खराब होकर रखा है। तो पहले फिलहाल फ्यूलिंग करा लेते हैं। नदी का सीन देख सकते हो यार, कितना अच्छा लग रहा है, और बारिश का सीजन है तो पानी पूरा ज़्यादा है नदी का, और हम लोग सीधा सिलचर को क्रॉस करके, सिलचर को छोड़ के हम लोग जाने वाले हैं डोलू, यहाँ पर एक पार्क है। फिलहाल हम लोग सिलचर के जाम में फंसे हुए हैं भाई, देख सकते हो यार चारों तरफ से गाड़ी जा भी रहा है आ भी रहा है, और इतना जाम, पर गर्मी भी लगना स्टार्ट हो गया है। चलिए गर्मी लग रहा था, बट अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से गाड़ी का जो हीट होता है ना, रेडिएटर फैन का जो हीट आता है, उसने तो मेरा हालत ख़राब करके रख दिया पैरों का। तो फाइनली गाइस वी आर इन दी ब्रिज भाई, नज़ारा इधर से ना कुछ अलग है भाई। इस वक्त हम लोग वो वाला ब्रिज से आएंगे, सामने वाला से पुराना ब्रिज है, तो वो वाला ब्रिज नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो ये है क्लॉक टावर, तो और हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट साइड, और ये है क्लॉक टावर, और इधर से भी एक रोड जाता है, ये देख सकते हो क्लॉक टावर, और सामने लिखा हुआ यह से गुवाहाटी लगभग 412 किलोमीटर से, नोआगांव 200, रुको तो सामने आने दो, नज़दीक आने दो यार, नोआगांव 287 किलोमीटर, यहाँ से गुवाहाटी है लगभग 423 किलोमीटर, एंड लामडिंग है 187 किलोमीटर। ये देखो गाइस तबाही भाई, तबाही सीन भाई, भाई साहब मेरा ऑल टाइम फेवरेट जगह है भाई। भाई साहब क्या बताओ आप लोगों को, भाई आप लोग देख ही सकते हो भाई, ये देखो यार बहुत प्यारा जगह है भाई। यार जगह सीन देख लो यार, एक नंबर यार, फुल रोड स्ट्रेट है, और यह है मेरा गाड़ी टायर देख सकते हो यार, गाड़ी और भाई को देख सकते हो, बहुत दूर रुका हुआ है भाई,
इतना अच्छा सीन है भाई, बहुत अच्छा सीन है। तो भैया को फोन करते हैं भाई को इधर आने के लिए। जो रोड है ना पहले ऊपर था, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जो पहाड़ साइडों का पहाड़ है जिसमें टी गार्डन है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है रोड के ऊपर, देख सकते हो गाइस। यार ये लेक है यार, कैसा आदमी है यार, इधर का पूछता हूँ तो एड्रेस ही बताता नहीं है, बोलता है इन लोगों का पता नहीं है, लोग लोकल आदमी है यार। ऐसा कोई होता है क्या लोकल आदमी यार, आप लोग ही बताओ कमेंट करके। एक्चुअली जो लेक हमने ढूंढ रहा था ये नहीं है, एक्चुअली वो वाला ग्रीन पार्क है, एक्चुअली एक्वा ग्रीन पार्क, और ये लेक है। हम लोग लेक नहीं ढूंढ रहे थे, हम लोग एक्चुअली एक्वा ग्रीन पार्क ढूंढ रहे थे, तो सीधा एक्वा ग्रीन पार्क में ही चलते यार, हम लोग को पार्क चाहिए लेक नहीं चाहिए गाइस। तो गाइस हम लोग और एक लेन ले लिया है, तो उस पर लेन से देखते हैं, अगर मिलता है तो भाई कुछ अलग ही बात हो जाएगा। तो गाइस मैं आ गया भाई के बाइक में, देख सकते हो डोमिनोर में, और ऐसे सुनने को आ रहा है लोकल, यहाँ का लोकल कह रहा है कि ये जो पार्क है बंद हो गया है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लफड़ा हुआ था इसलिए बंद कर दिया गया है। तो गाइस हम लोग का जो बाइक है पीछे पार्क कर दिया है हम लोग, और हम दोनों बंदे जा रहे हैं अंदर, कुछ ऐसा हो गया हम लोग के साथ। हम लोग तो आए ग्रीन, क्या पार्क का नाम क्या, एक्वा ग्रीन, एक्वा ग्रीन पार्क में हम लोग आने के लिए इतना अच्छे तरह से प्लान बना के हम लोग आए। आने के बाद ऐसा पता चला कि ये लोकल से जो पार्क है 2-3 साल पहले ही बंद हो गया है, तो हम लोग पता नहीं है जो इधर से जाते रास्ता, हम लोग जाके देखते हैं तीन क्या है, अभी तक कुछ है कि नहीं। तो गाइस पूरा जंगल के बीचों बीच में हुआ हम लोग, आए थे पार्क और पहुंच गए जंगल, पूरा देख सकते हो पूरा जंगल ही जंगल चारों ओर। ये कौन सा पार्क है भाई, ऐसा ही पार्क होता है क्या जंगल में, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क जंगल चारों तरफ हरियाली, हरियाली पार्क। 5 साल पहले मैं जब आया था ना इधर, तब इधर से मतलब इतना मतलब जंगल नहीं था, कम चलाएंगे। ये तो नेचुरल वाला पार्क हो गया देख सकते हो आप लोग। यार हम सोचे नहीं थे कि ऐसे घर से इतना दूर आके हम जंगल में घूमेंगे। ओ तेरी, रुको रुको यार, ये क्या फंस गया यार, फंस जाता हूँ। यहाँ पे गेट था, यहाँ पे एक टिकट काउंटर था, यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया था 50 रुपए करके, मतलब एक आदमी का 50 रुपीज। ये जगह है ना, यहाँ पर पहले पार्क हुआ करता था पानी के ऊपर, अब कुछ नहीं है देख सकते हो गाइस। और सनसेट देख सकते हो यार, ये देखो सनसेट यार, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं इधर में। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आने के बाद हम लोग बेयर ग्रिल्स ही बन गए, देखा था ना डिस्कवरी में। ये देखो भैया को, भैया बता रहे कि ये हम खा सकते हैं, तो भैया खा के दिखाएगा। ये देखो बेयर ग्रिल्स, शाबाश, मीठा है, ठीक है मीठा है। जो चीटी होता है ना, ये भी ऐसे मुंह में डालने से मीठा लगता है। कैसा कलरिंग हो गया भाई, कलर चेंज हो गया। तो गाइस फाइनली हम लोग पता चल गया है ये भाई पूरा बेयर ग्रिल्स है, तो चलो हम लोग आगे जाते हैं। बहुत मीठा होता है ये जो पेड़ होता है ना, ये अगर पक जाएगा तो आप लोग इसको खा सकते हो। The next day. तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, और मैं जाने वाला शोरूम, क्योंकि कल मैं सिलचर से आते वक्त बहुत लेट हो गया था, शोरूम भी बंद हो गया था। फिर मैंने सोचा था एक ब्लॉग को दो पार्ट में करूंगा, तो फिलहाल मैं प्लान किया नहीं इसको सिंगल पार्ट में करना है। कल मैं जब पार्क में गया था उसके पहले मैंने एक्चुअली मेरा बाइक को मैंने जाके शोरूम में छोड़ के आया था, और मैंने सोचा कि आने के बाद नेक्स्ट डे जो बाइक का ब्लॉग है, जो उसका फ्यूल पंप चेंज करा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, दोनों सब एक साथ मार्च कर देंगे। सो गाइस तो मैं जरा शोरूम, क्योंकि मेरा बाइक वहाँ पर है पूरा एकदम बिखरा पड़ा है खुल के, और फ्यूल पंप भी आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ और इसको ठीक करके जल्दी से घर में लाता हूँ। और दिक्कत अब कुछ ऐसा है, मेरा आरसी घर में है, अगर मैं आरसी लेकर जाऊँ तो आते वक्त मैं दो बाइक कैसे लाऊंगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है देखते क्या करते, तो जल्दी से निकलते हैं सीधा शोरूम के और पहुँचते, ठीक है ना। तो गाइस मैं शोरूम में पहुँच चुका हूँ, तो आ गए शोरूम, तो उसके बाद बाइक को लेके जाते हैं आगे। तो गाइस ये देखो मेरा बाइक पूरा कंप्लीट रेडी हो गया, पूरा एकदम
एक नंबर धासू बन गया है ट्रिप के लिए, ट्रिप रेडी बन गया पूरा। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ घर, क्योंकि वो लोग ने मेरे आने से पहले इसको ठीक करके रेडी करके रख दिया था। तो मैं फिलहाल चलता हूँ सीधा, और मैं मेरा दोस्त को कॉल करके लेके आया था, वो लोग कॉलेज से घर जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई थोड़ा हेल्प करके दे दो यार, इसको घर में दोनों दो बाइक एक साथ लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लोग आ गए हेल्प करने के लिए। सीधा घर चलते गए, फाइनली वहाँ एक्सपर्स पूरा ठीक हो गया है, ट्रिप के लिए रेडी हो गया है।